हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। यस गाइस, क्राफ्टन का नहीं, इंडिया का बैटल ग्राउंड। एंड इसको चिंटू ने वाइट हैट जूनियर से कोडिंग सीख के बनाया है। एंड गाइस, बात करें इस गेम की, सो इसका स्टार्टिंग का आप लोबी का लुक देख ही सकते हो, बहुत ओसम है। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस गेम के 4G से ज़्यादा डाउनलोड है एंड 4G से डबल रेटिंग है विदाउट एनी चीप प्रमोशन। एंड बात करें गाइस, यहाँ पे आप अभी आप लोबी देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें, यहाँ पे सेटिंग्स भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे आप ग्राफिक सेटिंग को भी वेरी लो से वेरी हाई तक कस्टमाइज कर सकते हो। एंड FPS भी गाइस आप 120 तक यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे आपको कुछ कैमरा एंगल्स एंड लाग यहाँ पे कह सकते हो सेंसिटिविटी सेटिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। इसको हम सेट भी कर ले तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारे पे कोई मरने वाला तो है नहीं। बट एनीवे, अभी यहाँ पे फटाफट से सेव कर देते हैं। एंड यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ कपड़े हमें फ्री तो मिलने वाले नहीं है, यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो अभी गेम खेलते अपना लेवल इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे कुछ कपड़े भी हम ले लेंगे। सो अभी सबसे पहले तो हमें नंगा पुंगा जाना पड़ेगा, सो बेसिकली अभी ऐसे ही चलते हैं, यहाँ पे हम कुछ खरीदने वाले तो नहीं है। सो गाइस, अभी चलते हैं देखते हैं गेम के अंदर का लुक कैसे होने वाला है। सो लेट्स गो बॉयज। तो गाइस, अभी हम प्लेन में तो आ ही चुके हैं, बट आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये चिंटू का बनाया हुआ इंडिया का बैटल ग्राउंड गेम अच्छा लगा है, सो लाइक वाला बटन तोड़ दो। एंड अगर आपको इसके वर्सेस में 4G अच्छा लगता है, सो डिसलाइक वाले बटन में जाके डूब मरो। अभी हम देखते हैं हम पोचिंग की नोवो जोर्जो कहाँ उतरेंगे भाई। सो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सो यार चलते हैं कहीं पे भी उतर जाएंगे। एंड देखते हैं गाइज, इसकी बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे थोड़ी पबजी मतलब बैटल ग्राउंड जैसी है। सो लेट्स सी गाइज, यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज़ें इसकी सेम देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले गाइज, यहाँ पे हम पानी के आसपास वाली जगह पे उतर जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पानी भी मिल जाएगा, ब्रिज भी मिल जाएगा, घर भी मिल जाएंगे एंड कार भी मिल ही जाएगी, क्योंकि रोड भी वही है। तो भी चलते हैं गाइस, अभी इसका उतरने का एंगल तो यार बिल्कुल ही अलग लेवल है। एंड जॉयस्टिक देख सकते हो भाई, जॉयस्टिक अपने अलग मजे में उड़ रही है ऊपर। बट अभी कोई ना, अभी हम चलते हैं भाई, कहीं पे तो उतरेंगे एंड कुछ ना कुछ तो लूट कर ही लेंगे। वैसे यहाँ पे कोई बोट वगैरह देखने के लिए मिला, जब मैं पिछला मैच खेला था जब बहुत सारे बोट आए थे मेरे साथ। अभी गाइस यहाँ पे तो कुछ वेयर हाउसेज हैं एंड छोटे मोटे घर हैं। अभी पता नहीं भाई मैं कहाँ उतर रहा हूँ, एंड गलती से शायद मैं वेयर हाउस की छत पे उतरने वाला हूँ। एंड नहीं 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 ओके, सो अभी हम वेयर हाउस के बिल्कुल बाहर उतर चुके हैं। एंड अभी चलो लेके चलते हैं अपने नंगे प्लेयर को। वैसे गाइस, इंडिया के अंदर तो यहाँ पे कपड़े पहन के आएगा अभी बैटल ग्राउंड में, बट इस गेम में अभी हमें यहाँ पे जो सस्ता बैटल ग्राउंड है यहाँ पे नंगा बंदा देखने के लिए मिल जाता है। तो चलो इससे थोड़े मजे ले लेते हैं। अभी यहाँ पे स्कारल मिल चुके हैं विद रेड डॉट के साथ। ओके, एंड स्कारल विद स्किन के साथ मिली है, मतलब पहली बार गेम में आया एंड स्कारल की स्किन अपने आप मिल चुकी है। यही पता नहीं भाई स्कारल ही ऐसी है क्या। एंड यहाँ पे अभी शायद हमने रीलोड तो कर लिया, 90 MO है गाइस यहाँ पे। एंड अभी चलते गाइस आगे यहाँ पे, एंड कोई बोट वगैरह का मुझे साउंड आ रहा है, देखते गाइस यहाँ पे आसपास कोई बोट है या नहीं है। ओके, यहाँ पे किसी ने बोट को मारा एंड किसी इंसान ने यहाँ पे द किलर को मारा। अभी उसके बाद यार हमारे पास भी तो एक बोट आना चाहिए। एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, बोट तो आया है कोई, मैं यहाँ पे टेस्टिंग पता नहीं कहाँ कर रहा हूँ, ये बोट मुझे पीछे से मार रहा है। और देखो ये बोट एकदम से स्पॉन हो जाएगा बिल्कुल मेरे पीछे गाइस। एंड मैं यहाँ पे ढूंढ ही रहा हूँ भाई है कहाँ। एंड ये देखो भाई, ये यहीं खड़ा है अपने अलग नशे में, तो इसको फटाफट से मार देते गाइस। उसके बाद इसको मारने के बाद इसकी देख सकते हो क्रेट में क्या पिंक पिंक लाइट जल रही है। इसका सामान कुछ मिला ही नहीं भाई, पता नहीं कैसा सामान था इसका। चलो इसको छोड़ते भी यहाँ पे फटाफट से कार में बैठते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। सो गाइस, भी आप नोटिस करना इस बंदे की स्पीड इतनी तेज है, मतलब यार यहाँ पे कार की जरूरत क्या है, हम इसे ही भगाते रहेंगे पूरे इरेंगल में। वैसे ये इरेंगल है या क्या है मुझे ये नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिविक का मोन्स्टर ट्रक एंड राइट साइड में देख सकते हो सैनोक का ऑटो। एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे इरेंगल का लुक एंड उसी के साथ साथ वीकेंडी का दुख, मतलब वीकेंडी है नहीं ना अभी। एंड होप्स यहाँ पे अपना जो बैटल कार्ड आ रहा है उसमें वीकेंडी 2.0 देखने के लिए मिले, बट अभी तो वीकेंडी नहीं है। तो यहाँ पे जो तीन में आप यहाँ पे हैं उनका यहाँ पे मिक्सअप दे दिया गया इसमें। एंड थोड़ा थोड़ा क्या पता मीनावार भी हो कहीं पे, उसको भी हम आगे जाके एक्सप्लोर कर लेंगे। बट यहाँ पे कार देख सकते हो भाई, दो दो टायरों पे इसकी कार चल रही है, कार कह रहा हूँ सॉरी, ये मॉन्स्टर ट्रक है। एंड बाकी इसमें इतने सारे बटन दे दिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। देख सकते हो एक तो रेस का है, एक ब्रेक का है और एक बैक गियर भी है, मतलब यहाँ पे बैक गियर में भी ये 90 की स्पीड पे चलेगी। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट वगैरह तो यहाँ पे है ही। एंड उसी के साथ यहाँ पे हमें मिल चुकी है US, अभी US लेना बनता है। यहाँ पे बैक गियर में हम पीछे लेके जाएंगे कार को। एंड यहाँ पे हमें मिल चुकी है US। एंड अभी ये US पता नहीं भाई कैसी है। बाकी गाइस, आपने इस गेम में एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे आपको कोई स्किन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज आप समझ सकते हो सारी की सारी कार ऐसे लग रही है जैसे अभी सर्कस से निकल के आई हो। मतलब अगर आप यहाँ पे स्किन लगा भी देते हो तो वहाँ पे स्किन की बेइज्जती होने वाली है, बिकॉज बिना स्किन की कार इतनी कलरफुल है, पता नहीं भाई पहले से इतने कलर क्यों ला के रख दिए। अभी यहाँ पे पहाड़ के ऊपर ये जा नहीं पा रही है, पता नहीं कैसे पहाड़ बनाए गेम बनाने वाले ने, कैसे यहाँ पे जीप बनाई है।
अभी ये जीप भी भाई पता नहीं कौन से गियर में चल रही है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये बैक गियर में वापस आ रही है। एंड यहाँ पे जोन आना भी स्टार्ट हो चुका है, अभी हमें भागना भी पड़ेगा गाइस। एंड सामने से जोन भी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो पलट चुकी है हमारी कार, एंड अभी शायद ये पेड़ से टकराएगी और यहाँ पे हमारा हो गया गेम खत्म। नहीं नहीं बच गई। एंड यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो आपको रेड निशान देखने के लिए मिल जाता है, आइस मैन को इंसान ने मार दिया, अभी हमें इंसान को मारना पड़ेगा गाइस, ये इंसान बहुत बंदे मार रहा है। एंड गाइस अगर आप मैप में देखोगे हमारे पीछे दो बंदे हैं, तो यार बैक गेट वाले हम पीछे आ चुके हैं। एंड अभी देख सकते हो सामने से दोनों के दोनों यहाँ पे भागे आ रहे हैं, एंड अभी पता नहीं भाई ये कौन है जिनको उड़ा देते फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे हमने मार दिया इंसान को एंड सब जीरो को। एंड यहाँ पे आपने देखा ही होगा इंसान स्टार्टिंग से कितने बंदे मारता आ रहा था, इसके 4-5 किल तो पक्का होंगे। बाकी यहाँ पे पिंक रेट भाई बहुत फनी लग रहा है इसका। बाकी अभी गाइस यहाँ पे से आगे चलते हैं, बिकॉज आप ऊपर मैप में देख सकते हो आगे नीचे पहाड़ी के अंदर जाके जो रास्ता है उसके अंदर भी यहाँ पे बंदे बैठे है, मतलब एंड जोन भी आ रहा है गाइस हमें, तो जोन से भी बचना होगा। एंड साथ साथ यहाँ पे पहाड़ी वाले बंदे भी मारने होंगे। अभी हमने ट्रिक लगाई कि हम बैक गियर में चलते हैं, बिकॉज इसका बैक गियर ही 90 की स्पीड पे चलता है, कार तो चलती नहीं आगे। सो यहाँ पे बैक गियर में हम ऊपर आ चुके हैं। एंड आप बैक गियर का फायदा देख सकते हो, मतलब फ्रंट गियर से ज्यादा यहाँ पे बैक गियर में जाना है। एंड यहाँ पे आप घर तो देखोगे भाई, घर तो बिल्कुल सीधा पबजी से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं भाई, ये सही लेवल है। एंड यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बंदे का मार्क तो यहीं से आ रहा है, ये चीज़ सही है, मतलब यहाँ पे पहले से ESP लगा के रख दिया इस गेम में, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है मेहनत करने की। एंड यहाँ पे बंदा मिल चुका है, एंड मैं हवा में कहाँ मार रहा हूँ इसको, बंदे को फटाफट फिनिश कर देते हैं। कुत्ता भाई, कुत्ता नाम कौन रखता है डोगी ब्रो, यार पता नहीं पता कैसे कैसे नाम रख रखे हैं इन्होंने। कोई ना, यहाँ पे हमने डोगी को मार दिया, अभी डोगी की थोड़ी सी लूट ले लेते हैं। M416 ग्लेशियर, वो भी मैक्स लेवल का, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मिल चुकी ग्लेशियर, वो भी पहले से अपग्रेड हुई हुई। अभी गाइस चलते हैं बंदों को मारते हैं, देखते गाइस यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे किल इफेक्ट मिलता है या नहीं मिलता, क्या उस बंदे की क्रेट बनती है, बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर है देखने से तो मैक्स लग रही है, बाकी मेरे पे तो लेवल 2 की है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे इस गेम में हमें कौन सी लेवल की पकड़ा दी इन्होंने। बाकी अभी चलते गाइस यहाँ पे, अभी बैक गियर ही मारना पड़ेगा हमें, आगे बदतर है। एंड नीचे निकल लेते गाइस अभी फटाफट से उड़ते उड़ते, यहाँ पे पक्का कार पलटने वाली है। एंड मुझे लग रहा है कार फट ना जाए भाई, फटेगी तो नहीं बट अभी सीधी हो चुकी है। एंड गाइज यहाँ पे आप सामने देख सकते हो पूरी एक स्कोर आ रही है, यहाँ पे हम हाइड्रा डायनामो को मार चुके हैं गाइज, यहाँ पे हाइड्रा डायनामो नॉक हो चुका है, हमारा लेवल भी अप हो चुका है। अभी गाइज यहाँ पे 3 बंदे और बचे हैं, यहाँ पे गाइज हम एक और बंदे को मार देते हैं बट यहाँ पे गोल्ड राइडर भी मर चुका है। एंड यहाँ पे रोहित ने सन्नी को मार दिया, अभी हमारी कार फटने वाली है, हमें कार से उतरना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गाइज डायनामो की पूरी स्कोर हमारी कार पे फायर करते हुए एंड गई यार हमारी कार, हम यहाँ पे मर चुके हैं, अभी हमें लॉबी में जाना पड़ेगा। सो यार मुझे लगा था यहाँ पे डायनामो मीटअप करने आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया, बट यार उनकी स्कोर तो बड़ी गंदी निकली भाई, उन्होंने मुझे पेल दिया। बाकी गाइस अगर आपको इस टाइप के यहाँ पे गेम प्ले चाहिए, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो ऑफिशियल यहाँ पे बैटल ग्राउंड के गेम प्ले वगैरह या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में बताना गाइस आपको गेम प्ले वगैरह इस चैनल पे चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी गाइस आज वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, सो लाइक कर देना अगर आप इस गेम को अच्छा मानते हो, और अगर आप फौजी को अच्छा मानते हो तो डिसलाइक जरूर करना। एंड बाकी गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आप इंस्टा पे भी आके मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड गाइस वहां पे गिव अवे वगैरह भी होते रहते हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।